हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके पीसी में या लैपटॉप में कैसे सेटअप करना है जीवन प्रमाण का, और आप उसके थ्रू जीवन का जो प्रमाण है जो गवर्नमेंट ने नया ये चालू किया है कि जो भी जिनको भी पेंशन मिलता है उनको ये करना ज़रूरी होता है हर नवंबर में एवरी ईयर, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ वो जीवित है जिनको भी वो पेंशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जा कर के सर्च कर लेते हैं जीवन प्रमाण, उसको लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट लिंक जो है उसी लिंक पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ ईमेल आईडी हम फिल करेंगे, ईमेल पे ही डाउनलोड का लिंक जाएगा, वहाँ से हमको लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं और यहाँ पे नीचे में कैप्चा फिल कर देते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे जीमेल में से देख करके। मेल पे ओटीपी आ चुका है, ये वाला कोड है। अब ये कोड जो है हम यहाँ पे फिल करके ओके कर देते हैं। अब ये देखिए डाउनलोड का लिंक बता रहा है, ये विंडोज़ के लिए ये ऊपर वाला है और मैक के लिए ये वाला, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नीचे वाला है। तो हम विंडो के लिए करेंगे, उसके बाद फिर से ईमेल आईडी हमको प्रोवाइड करना होगा। ये गेट सर्टिफिकेट है जो बाद में हमको जब फिल करने सब कुछ करने के बाद हमको वहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो ईमेल आईडी पे लिंक आ चुका है, यहाँ से फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और ये मेरा जो फोल्डर है सेटअप फाइल का वो डाउनलोड हो चुका है। ये जिप फाइल में इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। हाँ, इसके बाद ये फोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पे बीच वाला जो है एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है ये वाला है सेटअप फाइल, इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं, यस कर देंगे और उसके बाद फिर ये सेटअप प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, ये नीचे वाले चेकबॉक्स को भी चेक कर देते हैं क्योंकि मॉर्फो डिवाइस है मेरे पास, उसके लिए वो करना पड़ेगा आपको। याद रहे मॉर्फो, आपका मॉर्फो या मंत्रा जो भी है वो आपको डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये ओपन होता है, नहीं तो नहीं होता है। अभी ये सेटअप आ चुका है, अभी अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, और जैसे ही डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं तभी वो ओपन होता है। तो मैंने कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमको ये अपना जो भी ऑपरेटर है उसका डिटेल डालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड का डिटेल डाल देते हैं, आधार नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और ये यहाँ पे ये फिल कर देंगे ईमेल आईडी, उसके बाद इसको सेव करना है। इस तरह क्रेडेंशियल फिल करने के बाद जो है यहाँ पर भी हम ये फिल कर देंगे, यहाँ पे ऑपरेटर नेम डालना है, नेम जो भी मेरा नेम है आधार कार्ड के हिसाब से वो नेम डाल देते हैं। नेम डालने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे पेंशनर का डिटेल डालना है, तो पेंशनर का डिटेल किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक ये था वीडियो जो आपको सेटअप करना था आपके पीसी में या लैपटॉप में कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ही यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। दोस्तों, ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।